दलपत सागर बचाओ जन आंदोलन मंच द्वारा दलपत सागर की दुर्दशा को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राजीव शर्मा ने पूर्व महापौर किरण देव एवं वर्तमान महापौर जतिन जायसवाल को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने पूर्व के सरकार एवं वर्तमान में कांग्रेस सरकार के ऊपर सवालों को दागते हुए कहा कि दलपत सागर को सभी ने भू माफियाओं के साथ मिलकर बंड के नाम पर 60 फीट रोड बनाकर भू माफियाओं को फायदा पहुंचाने का कोशिश किए थे, जिसके बाद हमारे आंदोलन की वजह से सरकार को पीछे हटना पड़ा। उन्होंने वर्तमान महापौर जतिन जायसवाल के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि महापौर जतिन जायसवाल को हमने दलपत सागर के विषय में कड़ा कदम उठाने को कई बार आग्रह किया, परंतु उनके द्वारा मौन साध दिया गया। ये जब किरण देव महापौर बने तब उस समय से जो शुरुआत हुई वो निरंतर आज तक आज पर्यंत तक दलपत सागर की धीरे धीरे हत्या का एक षड्यंत्र रचा गया और इस षड्यंत्र में भू माफिया से लेकर नगर निगम के सारे वो पदाधिकारी भी संलग्न हैं। इंद्रदेव के टाइम बिल्डरों को भू माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए ये दलपत सागर में एक षड्यंत्र किया गया रोड 60 फीट का रोड बनाने का, जिसको बंड का नाम दिया गया और वो 60 फीट का रोड इन्होंने आंकड़ों में और कागजी कार्रवाई कंप्लीट कर लिया था। और वो 60 फीट का रोड निकलने से ये था कि बिल्डरों को 8 मंजिल की परमिशन मिली, और फिर जब इसका विरोध हम लोग के मंच दलपत सागर बचाओ जन आंदोलन मंच के द्वारा विरोध शुरू हुआ सब हुआ, उसके बाद उस 8 मंजिला परमिशन को इन्होंने रद्द शासन ने फिर से किया और बंड पे 60 फीट रोड पे रोक लगाई, यही हुआ।